हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनिंदिता और आप देख रहे हैं मेक इट अप। तो आज के वीडियो में मैं दीपिका पाडुकोण के मैरिज इंस्पायर्ड लुक क्रिएट की हूँ। इट वाज रियली फन टू डू एंड आई थिंक आई हैव मेड अ जस्टिस टू इट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपने फेस में बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई कर ली हूँ और अपने आईब्रो को भी बहुत अच्छे से ब्रॉडली फिल की हूँ, क्योंकि उनका जो आईब्रो है वो हमेशा से बहुत ही ज़्यादा फिल्ड एंड बहुत ब्रॉड काइंड ऑफ लगता है। इसके बाद मैं अपने आई के दोनों साइड में टेप अप्लाई कर ली हूँ और अपने आई के ऊपर ये काजल अप्लाई कर दे रही हूँ जो कि लॉरियल पेरिस का है। आप कोई भी जेट ब्लैक कलर का काजल यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे तरीके से मैं अपने आई में विंग आईलाइनर करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा मोटा तरीके से। इसमें आपको इतना ज़्यादा प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में हम इनको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। तो एक पेंसिल ब्रश की मदद से मैं अच्छे से ये काजल को ब्लेंड कर दे रही हूँ। उनका आई मेकअप लुक बहुत ज़्यादा सिंपल है, उतना ज़्यादा हेवी नहीं है, लेकिन उनके आई मेकअप में बहुत अच्छा एक गॉर्जियस टच है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैं ये ब्राउन कलर का शेड ले रही हूँ, ये ऑब्यूस का आई शेडो पैलेट से, और अपने आई में बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ वो ब्लैक कलर के साथ, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं ये दोनों शेड अप्लाई कर रही हूँ और इसको मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ अपने आई के आउटर वी पोर्शन में मेनली, और इसको मैं अच्छे से वही जो पहले मैं ब्रश अप्लाई की थी वही ब्रश के मदद से अच्छे से वो ब्राउन के साथ मैं मिक्स कर दे रही हूँ। इसके बाद मैं ये दो कलर अप्लाई कर रही हूँ और कंसंट्रेट कर रही हूँ ओनली मैं अपने लीड एरिया में ये कलर को अप्लाई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैं बस अपने लीड एरिया में ही ये कलर अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं वो सारे कलर को एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स्ड कर दे रही हूँ ताकि कोई भी शार्प लाइंस या एजेस ना दिखे। अगर आप कोई भी आई शेडो लुक क्रिएट कर रहे हैं तो सारे कलर्स को बहुत अच्छे से ब्लेंड कीजिए, बहुत अच्छे से सारे कलर को मिक्स कर दीजिए ताकि कोई भी शार्प लाइंस या एजेस ना दिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं थोड़ा सा और इंटेंसीफाई की वो ब्लैक कलर को। इसके बाद मैं वही ब्लैक कलर को लेके एक पेंसिल ब्रश की मदद से अच्छे से अपने वाटर लाइन में, अपर वाटर लाइन में अप्लाई कर दे रही हूँ। इस लुक में मुझे कोई आईलाइनर दिखा नहीं एज पर, मतलब वही जो पिक्चर में था उसके हिसाब से, तो मैंने कोई आईलाइनर यूज़ नहीं किया है। इसके बाद मैं अपने इनर कॉर्नर्स में हाइलाइटर अप्लाई कर दे रही हूँ और अपने अपर वाटर लाइन में भी अच्छे से काजल अप्लाई कर दे रही हूँ ताकि कोई भी गैपिंग्स दिखे ना, कोई भी एम्प्टी स्पेसेस ना दिखे। इसके बाद मैं फिर से थोड़ा सा ब्राउन शेड लेके अपने क्रीज को थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर रही हूँ। ओके, इसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। ये दो फाउंडेशन को एक साथ मिला के मैं अप्लाई कर दे रही हूँ। मैं सारा फाउंडेशन प्रोडक्ट्स एवरीथिंग और उसका शेड सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसके बाद मैं ये मेबलिन का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से सारे कंसीलर को ब्लेंड कर दे रही हूँ एक डैम स्पंज के मदद से। इसके बाद मैं ये रिमेल लंदन का स्टे मैट पाउडर यूज़ कर रही हूँ अपने फेस में जो भी लिक्विड प्रोडक्ट्स है उसको सेट करने के लिए। इस लुक में वो जो भी मेकअप यूज़ की है बहुत ज़्यादा मैट है, बहुत फ्लैट काइंड ऑफ है, तो इसलिए मैं अपने फेस को थोड़ा सा मैट ही रखने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद मैं ये स्टार्स कॉस्मेटिक्स का ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई कर रही हूँ और मैं कॉन्टूर भी अप्लाई कर चुकी हूँ। बैटरी थोड़ा लो हो गया था और डेड हो गया था, इसलिए वो वाला फुटेज नहीं आया, आई एम सॉरी फॉर दैट। और इसके बाद मैं सारे पाउडर्स को डस्ट अवे कर दे रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे टेम्पल एरिया में और मेरे चीक बोन में भी मैं कॉन्टूर अप्लाई कर चुकी हूँ।
और फिर से मैं ये जो ब्राउन कलर का शेड है उसको इस्तेमाल करके अपने नोज़ को कंट्रोल कर दे रही हूँ। उसका नोज़ बहुत ज़्यादा शार्प एंड प्रिसाइज है, बहुत ब्यूटीफुल है और आई एम नॉट ब्लेस्ड विथ दैट काइंड ऑफ नोज़, तो मैं वैसे तरीके से ही थोड़ा अपने नोज़ को कंट्रोल कर रही हूँ। इसके बाद मैं ये वाला शेड अप्लाई कर रही हूँ अपने लोअर वाटर लाइन में। इस लुक में वो कोई काजल इस्तेमाल नहीं की है, पर्सनली भी वो उतना काजल अप्लाई नहीं करती है जितना मैं उनके पिक्चर्स देखी हूँ, तो कोई काजल मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करूँगी, ओनली ये आई शेडो को लेके ही मैं अपने लोअर वाटर लाइन में अप्लाई कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी वो विंग का जो टेल है उसके साथ, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी और अच्छे से अपने आई लैशेज को कोट कर लूँगी और उसके बाद मैं फॉल्स आई लैशेज भी पहन लूँगी ऑफ कैमरा। और इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी हाइलाइटर जो कि यू कैन बी का है और ये वाला शेड मैं अप्लाई कर दे रही हूँ। मेरे ख्याल से वो इस लुक में कोई ब्लशर अप्लाई नहीं की है तो इसलिए मैंने भी कोई ब्लशर अप्लाई नहीं किया है। इसके बाद मैं वही डैम स्पंज की मदद से सारे प्रोडक्ट को अच्छे से अपने फेस के ऊपर बिठा रही हूँ और इसके बाद मैं ये बिस्क क्लियर का ब्राउन कलर का लिप पेंसिल और आई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और अपने लिप में अच्छे से आउटलाइनिंग कर दे रही हूँ और अच्छे से फिल भी कर दे रही हूँ अपने लिप को। इसके बाद मैं ये लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ जो कि एलेक्टिन का है और मॉव डेड शेड नाम है। तो ये हुआ मेरा फाइनल लुक। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा एफर्ट, मेरा स्किल पसंद आए, ये लुक आप लोगों को पसंद आए। और एक क्विक सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि उनका फेशियल स्ट्रक्चर और मेरा फेशियल स्ट्रक्चर बिल्कुल एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट है, मैं उनके जैसे बिल्कुल भी दिखती नहीं, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं उनके जैसे दिखूँगी उनके मेकअप लुक अचीव करने के बाद, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं बस उनका जो मेकअप है वो जैसे तरीके से मेकअप की है उसको मैं फॉलो करके अपना एक लुक क्रिएट की हूँ। तो ओके, बाय बाय, see you in my next video, till then be happy, be healthy, be beautiful, I love you guys so much, bye।